क्या आवाज है, ऐसी जबरदस्त तंदूरी चाय, भाई वाह, घर में पीने को मिल जाए ऐसे ठंड के मौसम में या फिर हो गर्मी, लेकिन चाय का स्वाद ऐसा निराला इस कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय का कि आप एक बार घर पे बना लेंगे आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आप कहेंगे कभी ये चाय घर पे पी ही नहीं थी। इसके लिए दोस्तों हमने कैटल ली है और सवा गिलास लगभग कुल्हड़ में पानी ऐड करा है। पानी में हम डालेंगे अब लगभग एक बड़ा चम्मच चाय पत्ती का और इसको धीरे आपको सिम आंच पे बॉयल करना है ताकि इसका प्रॉपर और एप्रोप्रिएट कलर आ सके। साथ ही में दोस्तों हमने ली है थोड़ी अदरक, तो अदरक को हम कूटेंगे बिल्कुल पुराने जमाने की स्टाइल ताकि इसका रस और रेशा निकल सके। अदरक के साथ हमने डाली है इलायची, लौंग और थोड़ी सी सौंफ। इसकी पूरी कुटाई हम करेंगे ताकि सिलबट्टे की तरह ही, ताकि पूरा जो रस है अदरक का वो चाय में आ सके। लेकिन जो ये तंदूरी चाय है बिल्कुल यूनिक है, हटके है, शायद ही कभी किसी ने घर पे ट्राई करी होगी, और करी है तो आपने किस तरीके से करी है ज़रूर कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए हमने अच्छे से अदरक को, सौंफ को, लौंग को और इलायची को कूट लिया है। अब जहाँ एक तरफ हमारी चाय पत्ती वाला पानी उबल रहा है उसमें हम इसको लगभग एक छोटा चम्मच ऐड करेंगे मिश्रण को। बहुत ही बढ़िया, और सिम रखा है हमने गैस की आँच ताकि कलर प्रॉपर आ सके चाय का। तेज आंच पे कभी भी चाय का प्रॉपर कलर नहीं आता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको उबालेंगे प्रॉपरली ताकि इसका एक एक रेशा अपना अच्छा स्वाद छोड़ सके इस चाय में। अब ये तंदूरी कैसे बनेगी उसकी तरफ चलते हैं। तंदूरी बनाने के लिए हमने एक ले लिया है दूसरी तरफ गैस चलाने के बाद कुल्हड़, और कुल्हड़ को हमने सेकना होगा। ये लाल दिख रहा है कुल्हड़, ये एकदम काला पड़ जाएगा, इसको इतना सेकना है। अब आप देखेंगे इसको कैसे हमने सेका है, अंदर बाहर आगे पीछे हर एक तरफ से, ताकि ये प्रॉपरली तंदूरी चाय बनके तैयार हो सके घर पे। बाजार में अक्सर ऐसी तंदूरी चाय मिला करती हैं, लेकिन घर पे इसका स्वाद ही निराला है, और गरम गरम पकौड़े मिल जाए खाने की तो क्या बात है साथ में। तो चलिए एक दूसरी तरफ हमारी अच्छे से चाय उबल रही है, अब उसमें हमें दूध ऐड करना होगा, लेकिन तब तक इसकी अच्छे से दिशा चेंज कर लें ताकि ये जो कुल्हड़ है ये अच्छे से हर तरफ से तंदूरी हो जाए, कहीं से भी ना रह पाए। तो चलिए ये ऊपर से तो तंदूरी हो गया है, इसे अंदर से भी तंदूरी करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया इसे तब तक आपको सेकना है जब तक इसका रंग काला ना पड़ जाए। तो वहीं अब हमारे दूसरी तरफ चाय का भी अच्छा रंग आ चुका है, वो सिम पे अच्छी खासी बॉयल हो चुकी है, तो समय आ चुका है उसमें दूध ऐड करने का। तो इसमें भी हम लगभग सवा कुल्हड़ के आसपास दूध ऐड कर रहे हैं, जितना पानी है उतनी ही चाय है, लेकिन पानी हमारा थोड़ा बॉयल हो गया, कम भी हो गया था क्योंकि हमने इसको अच्छी खासी देर तक बॉयल करा है। तो साइड में हमारा ये बर्तन प्रॉपर तंदूर हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका रंग भी काला पड़ चुका है। तो वहीं इसी साइड बस चाय भी बॉयल होने वाली है। चाय को लगभग आप 3 से 4 बार बॉयल ज़रूर करें, और चाय में मैंने अभी चीनी ऐड करनी है, एकदम बॉयलिंग स्टेज पे चीनी ऐड करी है मैंने, लगभग 1.5 चम्मच में चीनी ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए चाय का आ चुका है बॉयल, आपको दिखा देते हैं फटाफट से 1.5 चम्मच चीनी ऐड करने के बाद। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इस वक्त मेरी किचन में, और अभी आपको इसको ऐसे तंदूरी करके तैयार करना है वो भी फटाफट से बता देता हूँ। सबसे फटाफट मैंने 3-4 बॉयल चाय को दिला दिए, और अब इस चाय को छान के निकाल लेता हूँ। चाय हमारी बिल्कुल भी ठंडी नहीं हुई है, और साथ में गर्म एकदम तंदूर है तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं होगी। अब दोस्तों हमने क्या किया है, कोई भी भिगोना या पतीला ले लें, और उसमें ये कूलर जो हमारा सेका हुआ था गैस को बंद करके कूलर उसमें उतार लें। तो गैस को कर लेते हैं फटाफट से बंद, क्योंकि कूलर हमारा हो चुका है परफेक्टली एकदम हॉट अंदर से और बाहर से, और रंग भी इसका पड़ चुका है काला। तो ये राइट समय है कूलर को फटाफट से उतारने का। चलिए गैस कर लेते हैं बंद फटाफट से। अब दोस्तों हम इस कूलर को पतीले में रखने के बाद इसमें निकाल लेंगे चाय हमारी। चाय देखिए किसी जबरदस्त तंदूरी, आवाज सुनिए भाई वाह, ऐसी जबरदस्त चाय बनके तैयार हुई है ये तंदूरी फ्रेंड्स, कि आप एक बार इसको पियेंगे घर पे तो आप कहेंगे भाई वाह क्या चीज़ बना के तैयार की है। बस आप इसके साथ ले लीजिए कोई भी अपने पसंद का स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन, और खा लीजिए। मैं चलता हूँ दोस्तों, लेकिन जाने से पहले मुझे निराश मत कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बेहद ही मेहनत करके नई रेसिपी तंदूरी चाय आपके लिए घर पे तैयार करके दिखाई है। आप हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज मिलती रहें। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।